चलिए ले चलते हैं आपको चुनावी राज्य यूपी की तरफ, जहां संबल की दो विधानसभाओं के 3 प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। संबल में 4 विधानसभा हैं, जिसमें 2 विधानसभाओं के 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले 31 विधानसभा चंदौसी से गुलाबो देवी भाजपा प्रत्याशी, दूसरे नंबर पर पिंकी यादव सपा प्रत्याशी अशमौली विधानसभा से और तीसरे नंबर पर हरेंद्र सिंह रिंकू अशमौली विधानसभा भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती रही, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और सारा काम अनुशासन में हुआ। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे और क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पुनः जो है हमें अशमौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हमारे अधूरे रह गए, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के बतौर हमारे साथ जो है पक्षपात किया गया, उनके तहत जो शिक्षण संस्थानों को बनाने के कार्य और जो चल रहे थे, जहां पे पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, जो अधूरा पड़ा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना चाहूंगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव जैसा कि अशमौली विधानसभा से सब आप वाकिफ हैं, लगातार एक ही परिवार का कब्जा आ रहा है। जिस यदुवंशी समाज की वो बात करते हैं, उस यदुवंशी समाज की उन लोगों ने चिंता नहीं की। विशेष रूप से भूड़ क्षेत्र, जहां सिंचाई सबसे बड़ी समस्या थी, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की वहां की वहां सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी और हमने तर्कसंगत बात के साथ माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुंचाई और वहां के ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुलवाए, आज उस क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन है। जो लोगों को बहका कर, एक अपनी जाति के नाम पर जो लोगों को बहका कर वोट लेते थे और 5 साल वोट लिए और जाके मुरादाबाद की कोठियों में बैठ गए, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की कि इस क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान खोलने चाहिए, इस क्षेत्र की भी हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ भी एक कानून का राज होना चाहिए। उन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं।